नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, आप सभी को, जो खासकर नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए। वो अक्सर ये गलती करते ही करते हैं, जिस वजह से उनकी वीडियो जो है वो आगे नहीं जा पाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो अपलोड करने का तरीका, कि वीडियो जो अपलोड करते हैं, वैसे तो वीडियो सभी लोग अपलोड करते ही हैं, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है जिससे कि आपके वीडियो पे व्यूज कैसे आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नोटिफिकेशन कैसे पहुँचेगी, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप कहीं मत जाना, जैसे कि मैं टाइम पास बिल्कुल नहीं करता हूँ, आप सभी जानते हैं, बिल्कुल भरोसे के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आपको कहीं भी लगे कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, आप मुझे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर आप मुझसे उसका क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं, कमेंट करके जान सकते हैं, मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी यूट्यूब से रिलेटेड कोई और हेल्प आपको चाहिए तो भी मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। या फिर आपको कोई नई वीडियो चाहिए उसके लिए भी हमेशा तैयार रहता हूँ, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दूंगा, ये मेरा काम है और मुझे खुशी होती है आपकी हेल्प करने में। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं अभी एक वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मैंने काइनमास्टर में वीडियो को एडिट कर लिया है, और यहाँ पर देखिए एडिट करने के बाद एक्सपोर्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है ये बीच में, इस पर हमने क्लिक कर लिया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ यूट्यूब पे हम जाएंगे और वीडियो अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे जो है ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हम जिस भी आईडी पे वीडियो अपलोड करेंगे वो पहले तो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जिस भी यूट्यूब अकाउंट पे। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन खाली छोड़ देना है, और यहाँ पे जो प्राइवेसी आप देख रहे हैं मेन यही इम्पोर्टेंट है। ये जो है यहाँ पे भी आपको प्राइवेट दिख रहा है, तो ये पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट तीन ऑप्शंस आते हैं, तो हमें या तो अनलिस्टेड पे रखना है या प्राइवेट पे रखना है। मैं प्राइवेट पे ही रखता हूँ, पब्लिक करके आपको कभी नहीं रखना जिस समय आप वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको प्राइवेट कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपलोड पे जाकर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका वीडियो का अपलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो अपलोडिंग, पहले प्रिपेयरिंग होगी फिर वीडियो की अपलोडिंग शुरू होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वीडियो को हमने अपलोड पे लगा दिया है, तब तक हम क्या करेंगे, YT स्टूडियो ऐप जो है इसे हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका वीडियो यहाँ शो होगा, और ये अपलोड हो चुका है। और अपलोड अगर होता हुआ रहे तब भी आप यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको आप थंबनेल लगाना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने आपको ऐसा क्यों बोला था कि आपको वीडियो पब्लिक नहीं करनी है, ये बहुत ही बड़ा रीज़न क्या है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। सबसे पहले तो ये सब चीज़ें आपके सिलेक्ट नहीं होंगी, जैसे कैटेगरीज वगैरह हो गया, यहाँ पर कैटेगरी अगर लगातार आप एक ही तरह के वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। एडिट में आने के बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग में कैटेगरी, और यहाँ पे किड्स के लिए नहीं है तो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड करना है, और बाकी के ऑप्शन यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। यहाँ मोनेटाइजेशन ऑन कर देनी है, जो कि हमारा ऑन है, ये ऑन कर लेंगे। और यहाँ पर अब आते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पर, ये जो है यहाँ से हम थंबनेल सेलेक्ट कर लेंगे, ये थंबनेल हमारा है। और थंबनेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब आइए, मेन जो मैं बता रहा था वो है टाइटल। टाइटल हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि May 26, 2020 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है और ना ही कोई टैग हमने लगाया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे में क्या होता है कि हमारी वीडियो जो है पब्लिक रहती है जब हम अपलोड करते हैं तो, और हमारा वीडियो अपलोड होने के बाद पब्लिक हो जाता है, यानी कि सभी के पास नोटिफिकेशन चला जाता है, और वो किस नाम से जाएगा, May 26, 2020, और वहाँ पे हमारा कोई थंबनेल भी नहीं होगा। तो इससे नुकसान हमारा ये होगा कि कोई भी व्यूअर उस पर क्लिक नहीं करेगा जब तक कि उसे समझ में नहीं आएगा कि ये वीडियो में है क्या। तो इससे आपके व्यूज जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और उससे सबसे बड़ा नुकसान है, चाहे आपकी अर्निंग हो, मोनेटाइजेशन ऑन है तो अर्निंग भी नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, व्यूज नहीं आएंगे तो अर्निंग कैसे होगी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर था, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये गलती कभी भी ना करें, बहुत ही सावधानी से वीडियो अपलोड हो जाने दें, या वीडियो अपलोड होते टाइम वीडियो को
प्राइवेट करके रखें या अनलिस्टेड करके रखें, और उसके बाद यहाँ पे आप अपना सब कुछ सेट कर लें, टाइटल जो भी आप टाइटल रखना चाहते हैं वीडियो का, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लगा लें और टैग लगा लें, उसके बाद ही वीडियो को पब्लिक करें। तो फ्रेंड्स यही बताने वाला था, मैं बताना चाह रहा था आपको। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाबा टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।